मैं पूजा आप सभी का स्वागत करती हूँ पूजाज किचन में। तो आज मैं आप सभी के लिए एक नई रेसिपी लेके आई हूँ। आई होप कि आप सभी को ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ पोहा। तो पोहा बनाने के लिए यहाँ पे मैंने पोहा लिया है। पोहा को मैंने धो लिया है अच्छे से और उसका पानी निकाल दिया है। और यहाँ पे मैंने लिया 2 मीडियम साइज के प्याज, आधा आधा नींबू और 2 हरी मिर्च और करी पत्ता, धनिया पत्ता, हल्दी, नमक। और फ़ोरन के लिए यहाँ पे मैंने आधा चम्मच जीरा और आधा चम्मच काला सरसों लिया है। तो इसे बनाने के लिए हम सबसे पहले बादाम मूंगफली को फ्राई कर लेंगे। आप चाहें तो मूंगफली को रोस्ट करके भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने मूंगफली को फ्राई कर लिया है और इसे अब हम निकाल लेंगे। और मैंने मूंगफली को निकाल लिया और कढ़ाई में मैंने 2 चम्मच करीब तेल डाल दिया। तो तेल गरम हो गया है। अब हम इसमें और अब मैंने इसमें डाल दिया है आधा चम्मच करीब काला सरसों और आधा चम्मच जीरा। तो इसे हम और यहाँ पे मैंने 2 हरी मिर्च को छोटे छोटे टुकड़े में काट के उसे भी मैंने फ़ोरन में डाल दिया है। और ये प्याज, तो इसे अब हम भून लेंगे एक साथ। तो प्याज को हम कलर चेंज होने तक भून लेंगे। तो प्याज जो है भुन गया है। अब हम इसमें डाल देंगे पोहा। ये पोहा थोड़ा चिपक गया है तो इसे हम अलग कर देते हैं। फिर हम इसको कढ़ाई में डाल देंगे। पोहा को कई जगह पे चिवड़ा के नाम से भी जानते हैं, कहीं पे चूरा भी बोलते हैं। तो लेकिन ज़्यादातर जगह पर इसे पोहा के नाम से ही जाना जाता है। तो यहाँ पे मैंने पोहा को प्याज के साथ मिक्स कर दिया है। और अब हम इसमें डालेंगे नमक और हल्दी पाउडर। तो नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डालें। और अगर आपको इसमें मतलब चीनी पसंद है तो आप इसमें आधा चम्मच करीब चीनी भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने नहीं डाला है चीनी। और ये हल्दी भी मैंने डाल दिया है और नमक भी। अब हम इसे मिक्स कर देंगे पोहा के साथ। इसे अब हम मिला देंगे और इसे हम मीडियम फ्लेम पे 5 मिनट तक करीब फ्राई कर लेंगे। ये नाश्ता खाने में बहुत ही टेस्टी होता है और हेल्दी भी होता है। तो आप एक बार इसे ज़रूर ट्राई करें। तो पोहा करीब करीब बन के तैयार हो गई है। तो अब हम इसमें डाल लें नींबू का रस। तो यहाँ पे मैंने आधा नींबू लिया था और इसके रस मैंने पोहा में डाल दिया है। और ये एक नींबू का बीज चला गया था तो इसे मैंने निकाल दिया है। तो जब कभी भी आपका हल्का फुल्का नाश्ता बनाने का खाने का मन हो तो आप इस रेसिपी को ज़रूर बनाएं। तो पोहा बन के तैयार हो गई है और इसमें मैंने मूंगफली भी डाल दिया है। और यहाँ पे अब हम डाल देंगे धनिया पत्ता।
धनिया पत्ता डालने से इसका स्वाद थोड़ा और बढ़ जाता है। तो इसे गार्निश करने के लिए मैंने ऊपर से थोड़ा सा और मूंगफली डाल दिया है, और धनिया पत्ता, और ये सेव।